Starting with the second part, here what you are given is a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius curvature as 3 meter. Radius of curvature आपको दिया हुआ है which is 3 meter. इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका focal length निकाल सकते हैं, कैसे? R by 2 कर दो. R by 2 का मतलब क्या है, 3 by 2 करोगे, 3 by 2 is nothing but 1.5 meter. अब दूसरी चीज, उन्होंने बोला if a bus is located at 5 meter from this mirror, मतलब जो मिरर है उससे दूरी कितनी है बस की, इट इज अबाउट 5 मीटर. तो इसका मतलब क्या हो गया, बस हमारा कैसे एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, 5 मीटर. और हमें पता है कि यू हमेशा हमारा नेगेटिव होता है. अब यहाँ पे मिरर कौन सा दिया हुआ है हमें, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है. कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ आपका हमेशा कैसा होगा, इट वुड बी पॉजिटिव. अब हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करना है. मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v आने ही आना है, u की वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो जाएगी क्योंकि 5 नेगेटिव है, f आपका क्या हो जाएगा 1.5. यहाँ से डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 प्लेस करो. अब दूसरा स्टेप क्या लोगे कि आप 1/5 को राइट साइड पर ले जाओगे, तो 10/15 है आपके पास, राइट साइड पे 1/5 जाएगा, तो इट वुड बी ओनली 1/5, पॉजिटिव 1/5. यहाँ पे 15 और 5 का आप क्या लोगे, एलसीएम 15 आना चाहिए. पहली वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें उसे 15 बनाना है. सो इट वुड बी 13/15. वी की वैल्यू रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/13 मीटर दैट वुड बी. तो हमारे को पता चल गया कि v की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 15/13. और 15/13 को भी अगर आप रिड्यूस करना चाहो, इट वुड बी 1.15 मीटर. तो ये काम हो गया आपका v का. तो अब हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम उसकी नेचर और एक तरीके से साइज बता पाएंगे. तो अगर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इट विल बी -v/u. माइनस साइन तो आएगा ही आएगा. वी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1.15. यू की वैल्यू आपकी कितनी है, इट इज -5. तो माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी, और कितनी आएगी, 0.23 एज द मैग्निफिकेशन. तो इमेज आपकी कैसी होगी, इट विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मान लो आपके पास मिरर है और मिरर के एक साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, दूसरी साइड पे इमेज होगी, ठीक है. और दूसरी चीज कैसी होगी, इट विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल, और डिमिनिश्ड भी कह सकते हो आप उसको इस केस में, क्योंकि ना आपका जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम है 1.5, इस वजह से, ठीक है. और प्लेस भी कहाँ किया हुआ है इन्होंने, वेरी नियर टू द कन्वेक्स मिरर. या सो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट.